हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस मूर्ति में फिनिशिंग करके दिखाएंगे आपको कैसे किया जाता है। ये और ये इस तरीके से लगा देना है। इससे जो हमारे जो ऊपर की जो कंकड़ या पत्थर लगे हुए होंगे वो निकल आएंगे फ्रेंड्स, और इससे मूर्ति हमारी जो है वो चिकनी हो जाएगी। अच्छे तरीके से पानी लगा देना है पूरी मूर्ति में। फ्रेंड, हमने मूर्ति को अच्छे से चिकना कर दिया है। अब हम वाइट सीमेंट लगा रहे हैं। पानी में घोल के वाइट सीमेंट को ब्रश की सहायता से अच्छे तरीके से लगा देना है, कुछ इस तरीके से ब्रश से पूरी मूर्ति में। तो इससे हमारी जो मूर्ति है फ्रेंड्स वो काफ़ी स्ट्रांग बन जाती है और फिनिशिंग भी आ जाती है। तो फ्रेंड, ये जो हमने वाइट सीमेंट से कोट कर दिया है फ्रेंड्स, अब जो हम वाइट सीमेंट से पुट्टी कर रहे हैं इसमें, कुछ इस तरीके से जैसे दीवारों में पुट्टी की जाती है वैसे हम मूर्ति में पुट्टी करने वाले हैं फ्रेंड्स। इस तरीके से हाथ से वाइट सीमेंट लेके इस तरीके से फिनिश करते जाना है, पानी लगा लगा के। इस तरीके से जो है हमारी जो मूर्ति है फ्रेंड्स एकदम चिकनी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से हाथ में लेके लेप कर देना है पूरी मूर्ति को कुछ इस तरीके से। ये कोई भी शायद आपको बताए।
तो फ्रेंड ये जो हमारी फिनिशिंग हो चुकी है इसमें कंप्लीट, तो आप लुक देख सकते हैं कितना बढ़िया लुक है इसका, कितनी चिकनी हो चुकी है पहले से ये मूर्ति। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।